गणतंत्र दिवस के मौके पर शासन प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अगर बाद ट्रैफिक की बात करें तो यहां पर ट्रैफिक यातायात अक्षय कोड़े ने कहा है कि 26 जनवरी को देखते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों को शहर के अंदर आने की बजाय GMS रूट बाईपास से मसूरी के लिए रवाना होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में कहीं मैराथन भी होनी है, और जिससे देखते हुए शहर भर में ट्रैफिक का रूट चेंज किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे उसमें, वहीं GMS रोड से वाहनों को बाईपास के थ्रू मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर बचा रहे। दूसरा, बहुत सारे मैराथन इवेंट्स 26 जनवरी की सुबह में प्लान किए गए। हर एक मैराथन इवेंट और रूट की हमने मैपिंग कर रखी है, और जगह जगह पे वैसे ड्यूटियाज लगाई जाएगी। जो स्टेट लेवल हमारा प्रोग्राम होगा वो भव्य दिव्य होगा, और वो परेड ग्राउंड में होगा। तो परेड ग्राउंड के चारों ओर ये जीरो जोन रहेगा। आप EC रोड आ सकते, EC रोड और राजपुर रोड का यूज़ कर सकते हैं, बट जो अंदर की रोड्स है, सुभाष रोड हो गया या परेड ग्राउंड की चारों तरफ का एक एरिया हो गया, वो कम्प्लीटली जीरो जोन रहेगा।